नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे डेल्टा कॉर्प कंपनी के Q1 के नंबर्स के बारे में। आज की डेट में कंपनी ने जस्ट अभी जो है नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। Q1 के नंबरों की शुरुआत एक्चुअली कल से हो गई है। TCS कंपनी ने सबसे पहले नंबर्स पोस्ट किए थे। गेमिंग स्टॉक जो है एस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में भी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, कंपनी की प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 9 जुलाई 2021 आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो देखिए, यहाँ कंपनी ने एक रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर किया, जो कि Q4 में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। उसकी रिकॉर्ड डेट 30 जुलाई कंपनी ने यहाँ पर रखी है, यानी 30 जुलाई को जिसके डीमेट में शेयर्स होंगे, जिसके पास होल्डिंग होगी इस स्टॉक की, वो एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। तो देखिए, कंपनी की जो है शीट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स ऑफ Q1 की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनऑडिटेड ये पोस्ट की गई है। आज की डेट में सबसे पहले कंपनी की कंपेयर करेंगे इनकम को पिछले क्वार्टर से, यानी मार्च 2021 के क्वार्टर से जून 21 के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे। सारा अमाउंट जो है फिगर सारे इन्होंने करोड़ में यहाँ शो किए हुए हैं। तो टोटल इनकम आप कंपनी की देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई देखने को मिल रही है। और गिरने का रीज़न आप ऑफकोर्स समझ सकते हैं कि जून, अप्रैल, मई और जून के नंबर हैं, और इन 3 महीनों में जो है लॉकडाउन के चलते, आदि कोरोना के चलते, सेकेंड वेव के चलते जो गतिविधियां बाधित हुई है, जो बिज़नेस ख़राब हुआ है, उसका इफेक्ट यहाँ आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। 217 करोड़ से इनकी आय पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में गिरकर 82 करोड़ देखने को मिल रही है। सारे जो है टैक्सेस एक्सपेंसेस हटाने के बाद बात करें सीधे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आते हुए देखने को मिल रही है। 57 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया था मार्च के क्वार्टर में, वो आपको करीब करीब जो है 29 करोड़ का नुकसान आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव है, यहाँ पर सेल भी गिरी है और मुनाफा भी गिरा है। और दूसरा, ये मार्केट को पता भी था कि ये सारे बिजनेस जो है बाधित होंगे निश्चित रूप से। अब कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर से, सेम क्वार्टर से, यानी जून 2020 से जून 2021 के एक साल के नज़रिए से क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो इनकम आपको ज़रूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जून का पिछला साल ज़्यादा ख़राब हुआ था। पिछले जून 2020 में अप्रैल, मई और जून वहाँ लॉकडाउन जो लगा था वो लगभग 2.5 से 3 महीने चला था, और यहाँ लॉकडाउन करीब 1 से 1.5 महीने ही चला है। जो पिछला लॉकडाउन था वो इससे ज़्यादा काफ़ी लंबा चला था। तो आपको यहाँ पे सेल ज़रूर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। 61 करोड़ की तुलना में कंपनी ने सेल की है करीब करीब 82 करोड़ की। यहाँ एक नंबर आप पॉजिटिव देख रहे हैं। और जहाँ तक मुनाफे की बात करें पिछले साल से, तो मुनाफा कंपनी का ऑलमोस्ट फ्लैट आते हुए देखने को मिल रहा है। 28 करोड़ 24 लाख का नुकसान पिछले साल जून के क्वार्टर में किया था, इस क्वार्टर में 28 करोड़ 93 लाख का कंपनी ने नुकसान किया है। तो नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका स्टॉक पर आते हुए देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी मार्केट को। तो देखिए, बात कर लेते हैं करंट चार्ट पे चलने से पहले डेल्टा कॉर्प के आज के चार्ट की। तो देखेंगे आप करीब 1.5% की गिरावट स्टॉक ने आज दिखाई है। 5 दिन की बात करेंगे तो फ्लैट चलते हुए देखने को मिलेगा। 1 महीने में सिर्फ 2% ही ऊपर स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो देखिए, डेली चार्ट की बात करते हैं। 3 दिन पहले स्टॉक ने एक हाई लगाया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, करीब 202 रुपये के लेवल का, और उसके ऊपर जो स्टॉक की एक इससे पहले की हर्डल है करीब 196 की। हालांकि स्टॉक ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसको ब्रेक किया लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। तो ऊपर स्तरों पर अभी स्टॉक टिकेगा भी नहीं, चूँकि नंबर भी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। एक सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट खैर ये तो काफ़ी ज़्यादा, इतना नीचे स्टॉक जाना नहीं चाहिए, लेकिन आप सबसे पहले जो है नज़र रखिए 180 के लेवल पर। इस लेवल पे स्टॉक ने काफ़ी समय, यूँ कहिए कि करीब करीब 3 हफ्ते लगातार कंसोलिडेट किया है। ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है, और अगर ये 180 का ब्रेक हुआ तो 177, और फिर अल्टीमेटली नीचे 170 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर ब्रेकडाउन आता है। लेकिन इतना स्टॉक के गिरने की संभावना नहीं है मेरे ख्याल से। फिलहाल ये स्टॉक आपको 190 से 180 की इस एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा आने वाले समय के लिए। जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिप में खरीदारी करने के लिए एक बढ़िया मौका स्टॉक आपको देगा। और आगे जैसे जैसे लोग अनलॉक की थीम चल रही है, ये स्टॉक सारे धीरे धीरे जो है फोकस में आते हुए देखने को मिलेंगे। जिन्होंने नीचे के स्तरों पर ले रखा है तो होल्ड करिए, ज़्यादा कोई ऐसी घबराने वाली बात स्टॉक में नहीं है। चलिए, वीडियो में बात कर लिया डेल्टा कॉर्प के Q1 के नंबर के बारे में, इसके चार्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।